थे तो जूते उतार के जाते थे। तो इस हताई को कल एडीए द्वारा बिना कोई नोटिस दिए राजनीतिक व्यवस्था से इसको तो बुलडोजर चला दिया गया। तो इसके विरोध में कल हमारे समाज के लोग गया, क्या है मामला? आज हमारा राउत समाज के जो प्रमुख लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे लोहागढ़ के अंदर आप सामने देख रहे हो जो हताई है ये लगभग 200 से 250 वर्ष पुरानी हताई है। यहाँ पे हमारे समाज के पंच पटेल बैठ के महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे और होली दीपावली के अलावा भी हम कई अवसरों पर यहाँ बैठते थे और गाँव के अंदर हताई को इतनी मंदिर के बराबर पवित्र मानते। जमाना था जब हताई के अंदर लोग जाते थे तो जूते उतार के जाते थे। तो इस हताई को कल एडीए द्वारा बिना कोई नोटिस दिए राजनीतिक व्यवस्था से इसको तो बुलडोजर चला दिया गया। तो इसके विरोध में कल हमारे समाज के लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देने गए थे। आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग है कि जिस तरह से एडीए ने अपना बुलडोजर चलाया वही एडीए वापस इस द्वार को बनाए और हमने फाइल भी लगा रखी है एडीए के अंदर कि हमें ये समाज की हताई अलॉट की जाए। तो नियमानुसार जो पैसा होगा समाज जमा कराएगा उसका पट्टा हमें तुरंत दी जाए। और पुलिस प्रशासन द्वारा भी कल हमारे लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया तो हमारी मांग है कि जो दोषी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। कब तक ये धरना चलेगा? और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और मेरा प्रशासन का को आपके माध्यम से अल्टीमेट है कि हमें हल्के में न ले हमारी समाज को। हम पहले भी ईट से ईट बजाइए आगे भी ईट से ईट बजाएंगे। हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े लेकिन हमारी समाज की आन बान शान को हम कम नहीं होने देंगे। ठीक।